देश की आज़ादी को 77 बरस हो गए और इस 77 बरस में हिंदुस्तान कितना बदला, क्या हिंदुस्तान में विकास की रफ्तार चली, कितना हिंदुस्तान बदला। और कहते हैं ना कि देश में सबसे बड़ी ताकत युवा है, और इन युवाओं से बात करने की कोशिश करूंगा, इन युवाओं से ही जानने की कोशिश करूंगा कि 77 बरस को वो किस तरीके से देखते हैं कि जो आज़ाद भारत है, और इस आज़ाद भारत में 77 बरस में क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, क्या, और वो विकास की तमाम चीज़ें देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस क्रांति धरा पे हूँ जहाँ से 10 मई 1857 को अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूका गया था। इन्हीं तमाम युवाओं से बात करूँगा। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के वो युवा हैं कि जो देश का भविष्य है, देश के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को सेना में जाना है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को जज बनना है और किसी को कलेक्टर बनना है। और ये तमाम स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इन्हीं से बात कर लेता हूं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कितना 77 बरस में हिंदुस्तान बदला, किस नज़र से देखते हैं इस सफ़र? अगर देखा जाए इन 77 वर्षों में देश ने काफ़ी तरक्की भी की है, और बेरोज़गारी का मुख्य मुद्दा जो है बेरोज़गारी का, इसमें शायद मुझे लगता है कि देश ने तरक्की नहीं करी है। बाकी अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्निकल चीज़ों में, पिछले 15 वर्षों में जो तरक्की या जो देश ने आसमान को छुआ है, उसकी कल्पना करना अब से 15 साल से पहले 2014 में जो हम अब 2014 के बाद जो हमने तरक्की की है, उसकी कल्पना हम 2014 से पहले नहीं कर सकते थे। इस चीज़ में देखा जाए तो देश ने काफ़ी तरक्की की है रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और टेक्नोलॉजी में। अच्छा, टेक्नोलॉजी में आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल सर, टेक्नोलॉजी में भारत ने विकास किया है और धीरे धीरे विकास की रफ्तार पर है। मेरा मानना यह है कि विकास तो आज़ादी के बाद से, 1947 के बाद से ही भारत विकास करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन हम लोगों का मानना है कि जो सन 2014 के बाद मोदी सरकार आई उसके बाद से विकास होना अच्छा हुआ है। लेकिन अगर हम नज़रिया 1947 के पास लेके जाएं और उस आज़ादी से पहले लेके जाएं, मुख्य रूप से भारत का विकास होना तो 1947 के बाद से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जब देश गुलाम था उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब इंदिरा गांधी की सरकार आई उसके बाद धीरे धीरे देश पे हमले हुए, हमारे पास हथियार नहीं थे, हमारे देश में हथियार नहीं बनते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश में खुद का हथियार बनने स्टार्ट हुए, परमाणु बम बनने स्टार्ट हुए, तो वहीं से ही जो है भारत का विकास होना स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद देखा जाए कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री बदले इंदिरा गांधी के बाद, तो जो देश को जो है मतलब एक तरीके से बांटना या राजनीतिक जो मुद्दा है वो धार्मिक मुद्दा बन गया है। आज का जो समय है या आज की जो राजनीति है वो देश को मतलब बांटने वाली राजनीति है मेरी दृष्टि से, क्योंकि अब देख लो ऐसा है कि कोई मॉमडन लोग हैं वो बोलते हैं कि धर्म की राजनीति, हिंदू लोग हैं वो बोलते हैं धर्म की राजनीति। तो मेरा मानना यह है कि आज़ादी को 77 वर्ष हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी सभी में विकास हो रहा है, लेकिन यदि भारत एकजुट हो जाए, एक साथ होकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म एक साथ तरक्की करें, तो भारत की जो स्थिति है आज हम देख रहे हैं, जैसे ओलंपिक चल रहे हैं अभी, ओलंपिक में भारत की स्थिति 67 नंबर पर है। तो यदि भारत एकजुट होके तरक्की करे, विकास करे, तो पहले नंबर पे भी आ सकता है। हर बार कभी अमेरिका, कभी जापान, कभी चीन पहले नंबर पे आता है। पिछली बार चलो हमारे भारत देश में एक गोल्ड आया, लेकिन इस बार तो एक भी गोल्ड नहीं आया, क्यों? कमी तो है। हमारे भारतीय जो खिलाड़ी हैं उन पर प्रधानमंत्री को या देश की जो सरकार है उस पर पैसा खर्च करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? मैं सर टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं UGC नेट जे आर। सर, आप क्या, आप इनकी तो बात सुन ली, उनकी भी बात सुन ली, आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं विधि का छात्र हूँ यूनिवर्सिटी से, और सर मेरा ये कहना है कि सर हमारा देश आज़ाद तो होगा, मगर मेरा अपना ये मानना है कि मानसिक रूप से आज भी गुलाम है। उसका मतलब ये कि जैसे हमारा ब्रिटिश शासन रहा था हमारे देश में, आज के देखते हो आज के समय को, कि कोई हमारे सामने कितना भी इंटेलिजेंट आ जाए और एक इतना अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, वो थोड़ी सी इंग्लिश बोल दे तो सामने वाला आदमी एकदम घबरा जाता। तो वो कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम है उस अंग्रेजों से जो अंग्रेजी बोलता। आपने देखा होगा कि कई लोग हैं ऐसे जिसमें आज भी अंग्रेजी में काम चलता। जो सामने वाला मुलजिम है उस बेचारे को यही नहीं पता है कि मुझे जज ने सजा क्या सुना दी। तो मेरा ये मानना, जैसे देश आज़ाद हुआ तो उसकी भाषा में भी हिंदुस्तान में कुछ होना चाहिए। अगर आप चीन में जाओगे तो वो चीन में वो जो है वहाँ MBBS वो अपनी भाषा से कराते हैं, मगर भारत में आज भी इंग्लिश को ऐसा उठाया जा रहा। उसमें भी एक तरह का मेरा ये मानना है कि देश आज भी पूर्ण रूप से मानसिक रूप से आप चाहते हैं हिंदी को बढ़ावा मिले। मैं चाहता हूँ हिंदी को बढ़ावा मिले। सर, आप क्या चाहते हैं? सर, पहले तो इस स्वतंत्रता पर्व की पूर्व संध्या पर आपको शुभकामनाएं, जो हमें एक खूबसूरत लोकतंत्र हमारे संविधान निर्माताओं ने और क्रांतिकारियों ने हमें दिया।
इस 77वें साल पर मैं आपको इसकी शुभकामनाएं देता हूं। सर, हमने जो मतलब अब तक विकास किया है 77 वर्षों में, सबसे पहले तो हमें अपना इतिहास देखना होगा, क्योंकि जब हम 1947 में आज़ाद हुए थे उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब बने थे उस समय का अमेरिका हमको अपनी तरफ खींचना चाहता था और रूस अपनी तरफ को खींचना चाहता था। उससे लेकर के और आज तक हमने क्या प्रगति की? हमने काफ़ी प्रगति की है इस क्षेत्र में। हम ये नहीं कह सकते कि हमने सामरिक क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने अपना मतलब विकसित नहीं किया अपने आप को, हमने अपना विकास किया है, लेकिन अभी हम काफ़ी पीछे हैं। जैसे आपने भाई ने भी बोला है ओलंपिक को लेकर के बोला है, हमारी नीतियाँ सही नहीं है वहाँ पर, और एजुकेशन के क्षेत्र में हम अभी काफ़ी पीछे हैं, क्योंकि विश्व को अगर आप देखोगे सरकार तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, उस पर काफ़ी मतलब प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो तकनीकी विकास होना चाहिए उसका जो मतलब मेन मुद्दा है, जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। नीतियाँ सही नहीं बन रही और नीतियाँ जो बना रही हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। हम 77 साल में आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन मतलब एक राजनीतिक मुद्दे को देख करके कहें कि हम विश्व में अपनी छाप रखते हैं, मैं एक आज़ाद भारत का नागरिक हूँ, मैं अपने देश की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ चुपती है। 77 साल हमें आज़ाद हुए हो चुके हैं, लेकिन आज हमारा पड़ोस में हमारी विदेश नीति इतनी बेकार हो चुकी है कहते हुए मुझे शर्म लग रही है। लेकिन क्यों हमारे यहाँ से बांग्लादेश निकल गया? क्योंकि जो हमारे घर में आग लग रही है हमको पता ना चले तो सबसे बुरी बात है, क्योंकि बांग्लादेश हमारे हाथ से निकल गया, श्रीलंका हमारे हाथ से निकला गया, म्यांमार हमारे हाथ से निकल गया, नेपाल हमारे हाथ में नहीं है आज के समय में, देख रहे हो वहाँ पे क्या सत्ता परिवर्तन हो रहा है, भूटान हमारे हाथ में नहीं है, पाकिस्तान हमारे हाथ में नहीं है, पाकिस्तान तो हमारे साथ है ही नहीं, वो होना भी नहीं है उसे, और चीन तो हमारे खिलाफ है ही। तो ये नहीं है कि हमने विदेश नीति भी अच्छी होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं आप? सर, मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। मैम, आपसे भी जानना चाहूँगा, इनकी तो बात हो गई है, क्या लग रहा 77 बरस के आज़ाद हिंदुस्तान को किस नज़रिए से देखते हैं? नमस्ते सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये दिवस बनाया क्यों जाता है। जब भारत एक उपनिवेशवाद में था तो इस उपनिवेशवाद से हटने के लिए इस दिवस को बनाया जाता है। और सेकंड बात सर, जैसे उन भैया ने बोला अभी, तो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जो महिला के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इंडिया ने बना तो दिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना अभी भी बहुत कठिन है, क्योंकि अभी भी हम लड़कियां वहाँ बैठ के पढ़ती हैं। अभी तुम खुद गए थे तो वहाँ से कोई गर्ल्स उठकर नहीं आई है। वो क्यों नहीं आई है उसका रीजंस भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि अभी भी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बट अभी उसे डेवलप होने में बहुत टाइम है। मेंटली आपको लगता है कि चीज़ें बदलने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों की सोच अभी भी वही संकीर्ण रूप से है, क्योंकि लोगों की सोच मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में भी इतना ज़्यादा परिवर्तित होगी, क्योंकि वो अभी भी अपने धर्म और अभी भी अपनी लैंग्वेजेस, जैसे कि हम संकीर्ण नहीं, अगर हम ग्लोबली रूप से देखें तो हम अपनी सोच को संकीर्ण तो बना के नहीं रख सकते, चाहे वो लैंग्वेज हो या ही हमारा वो धर्म हो। तो इसलिए हमें पूरे एक संकीर्ण रूप से सोच को हटाना होगा, तभी। क्या बदलाव चाहती हैं 77 बरस में, क्या कमी लगती है? सबसे पहले बदलाव तो मैं महिला हूँ तो एक महिला के ऊपर ही बदलाव चाहूँगी, क्योंकि महिला को एजुअली हर एक चीज़ में आगे बढ़ने का जो उनका दायित्व है, उनकी जो पोटेंशियल है उसको देखा जाए और आगे बढ़ा जाए। क्या कर रही हैं? और सर, मैं नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही। अच्छा, नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैम, इनकी भी बातें सुन ले, आपको क्या लगता है 77 बरस का कम तो नहीं होते हैं? कितने उतार और कितने चढ़ाव हिंदुस्तान ने देखे हैं, लेकिन अब 77 बरस हो गए आज़ादी को, क्या लग रहा है आपको, कितनी चीज़ें बदली और कितनी और बदलने की ज़रूरत है? सर, मैं सबसे पहले फोकस करना चाहूँगी जेंडर इक्वालिटी पे। सर, बहुत सारी चीज़ों में अभी भी हम लोग महिला वगैरह आगे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सर अभी भी रैंकिंग का अब इंडिया की देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग पीछे हो गई है, जबकि बढ़ना चाहिए था ये चीज़ें। अभी भी लड़कियों को बोलने की आज़ादी नहीं है, और अभी आप रिपोर्ट में देखेंगे तो सेक्सुअल रेट जो मतलब इतना रेप केस बढ़ रहे हैं उनको रोका जाना चाहिए। ये तो कानून में ही लूप होल्स हैं जो नहीं ठीक करे जा रहे हैं, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होंगे तब तक महिला सुरक्षित हैं ही नहीं। अगर महिला आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं तो उन्हें भी रोका जाता है। मैं चाहती हूँ कि इसमें थोड़ा सा सुधार हो जाए, और शिक्षा के लेवल पे अगर वर्ल्ड में देखें तो हमारा इंडिया बहुत पीछे है अभी, क्योंकि बॉयज़ के मुकाबले गर्ल्स अभी भी बहुत कम पढ़ा पा रही हैं, क्योंकि मेंटली सोच जो होती है वो नहीं बढ़ने देती है गर्ल्स को आगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी गर्ल्स बहुत आगे निकल रही हैं। बहुत आगे निकल रही हैं, पर सर अभी भी आप जहाँ भी देखेंगे
वहाँ पर आपको बहुत सारे केस मिल जाएंगे। अभी मतलब ये जो वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ हैं, अभी भी कितने सारे कॉलेजों में और लाइब्रेरीज़ में गर्ल्स वॉशरूम नहीं मिलते हैं, बॉयज़ वो दोनों वॉशरूम एक ही मिलते हैं। क्यों? लड़कियाँ और लड़के दोनों अलग अलग हैं ना, तो दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए, पर एक ही क्यों? अच्छा, अभी धरातल पर काम बहुत होने की ज़रूरत है। यस सर, और मुझे उनकी विदेश नीति, मोदी सर की विदेश नीति, ये सब अच्छी लगती है। क्योंकि सर अगर वैसे देखें वासुदेव कुटुंबकम की नीति हम लेकर चलते हैं तो वो सबको एकजुट लेके चलते हैं, वो किसी को अलग नहीं करते। क्योंकि सर अगर हम अपने पड़ोसियों को अलग करेंगे तो सर बहुत सारा हमारा लॉस भी है, और सर मतलब विदेश नीति ख़राब होने का भी चांस हैं बहुत। तो अच्छा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा विदेश नीति में भी थोड़ा सा सुधार हो जाए, क्योंकि अभी जितने भी हमारे पड़ोसी हैं वो सारे चाइना की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि विदेश नीति में और शिक्षा में और महिला सशक्तिकरण में और जो कानून में लूप होल्स हैं जो अप्लाई नहीं होते, क्योंकि कोई भी जो हमारे छोटे वर्ग होते हैं या ये सब होते हैं, इनको है ना वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। जो कानून बनाए गए हैं वो प्रॉपर दिए नहीं जाते, बीच में ही सारी चीज़ें, चाहे हम अनाज वगैरह जैसे ये स्कीम चलाते हैं सर, तो आधे से ज़्यादा तो भ्रष्टाचारी में चला जाता है पैसा, उनको तो मिल ही नहीं पा रहा ना जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। कमज़ोर वर्गों को उठाने के लिए ही तो मोदी जी ने बोला है ना, तो पर वो तो अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा, क्या आपको क्या लग रहा है? 77 बरस सबकी बातें सुनने, गर्ल्स ने अपने पक्ष रखा है, आपको क्या लगा? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और स्वतंत्रता, हाँ स्वतंत्रता दिवस की। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैंने विदेश नीतियाँ पढ़ी हैं अब तक सारी लगभग जो भी हैं। तो 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारा देश जिस लेवल पर खड़ा हुआ था उसके बाद जिस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, तो उसके बाद हमारे देश ने काफ़ी विकास किया था और टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट हुई थी, जैसे मान लो IIT वगैरह बने थे और काफ़ी उद्योग स्टार्ट हुए थे। और उस समय यानी कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि उद्योग को बढ़ावा दिया था, यानी कि हमारे देश को यहाँ से लेकर यहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने। सर आपको क्या लग रहा है? सर हमारे देश में विकास तो काफ़ी हुआ है, शिक्षा में भी डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पर हमारी जो साक्षरता थी 18% थी, आज 67% है, जो हमारी UP की है, 73% हमारे देश की है। बट सर अब भी एजुकेशन पर हमारा होना बहुत ज़रूरी रहता है, पैसा खर्च एजुकेशन में, बजट में हमारा बजट बहुत कम कर दिया। क्या कर रहे हैं? सर मैं NET की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, एजुकेशन में बजट बढ़ना चाहिए। हाँ बजट बढ़ना चाहिए, एजुकेशन में बजट बढ़ना बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान देना चाहिए। सर एम्प्लॉयमेंट UP में कोई वैकेंसी नहीं आ रही, बहुत 6 साल लोगों की वैकेंसी नहीं आके दे रही, युवा बेरोजगार फिर रहे हैं। सर सबसे मेन यही है कि एक तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सबसे जो धरातल पर चीज़ ये जरूर होनी चाहिए, चाहे कुछ होना हो, क्योंकि डेवलपमेंट। हाँ बताइए, हाँ बताइए, आप क्या कह रहे हैं? सर मैं ये कह रहा हूँ, सर पहले तो पूरे भारतवर्ष को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, देश की आज़ादी में जितने भी शहीद हुए हैं सभी को मैं, सभी को उनके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात रखना चाहूँ। सर सबसे पहले जब से देश आज़ाद हुआ, जैसे जैसे परिस्थितियाँ बढ़ती गई हैं ऐसे ऐसे ही देश ने तरक्की करी। 2014 के बाद डिजिटल भारत बना, उसने देश ने टेक्निकल में उसमें भी सब चीज़ में वो करी है तरक्की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सर बेरोज़गारी का, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, हमने एक आर्ट ग्रुप से, सुनो सही सर, हमने आर्ट ग्रुप से कोई वो कर रखी है तैयारी किसी भी चीज़ की, तो सर हम टीचिंग में जा सकते हैं, वैसे जा सकते हैं, टेक्निकल में नहीं जा सकते। सर ये निजीकरण हो रहा ना हर क्षेत्र में, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब बता दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा बस सर, अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस बात को अगर सुन रहे हो तो प्लीज़ मेरा यही कहना है, फ्री एजुकेशन, अच्छी और समान एजुकेशन के लिए उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत महंगाई है और सब पे आप बजट कितना भी कम कर दीजिए लेकिन एजुकेशन फ्री और अच्छी एजुकेशन करा दीजिए बस। हम तभी बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबका कहना है कि जो 77 बरस का आज़ाद हिंदुस्तान हो चुका है उसमें अभी और बदलाव की ज़रूरत है, चीज़ें बदली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, विकास की बात हो, या पड़ोस और विदेश नीति की बात हो, तो अभी और बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन कह रहे हैं कि चीज़ें बदली हैं, और भी ज़्यादा बदल सकती थी, लेकिन महिलाओं ने एक बड़ी बात कही है कि आज भी जो संकीर्ण मानसिकता लोग रखते हैं वो आज़ाद भारत में अच्छी नहीं है, और उस सोच को भी बहुत ज़्यादा बदलने की ज़रूरत है, शायद तभी आज़ादी के वो मायने सबको नज़र आएंगे कि जो सपना देखा गया था आज़ाद भारत का।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।